हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन हेल्थ केयर में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं, कुछ नहीं गाइस, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जब हम मिनोक्सिडिल का यूज करना छोड़ देते हैं तो जो बाल मिनोक्सिडिल से आए हुए हैं वही बाल झड़ते हैं या और भी ज्यादा जो और हेल्दी बाल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। दोस्तों यही जानने के लिए प्लीज मेरी इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आपका हेयर फॉल हो रहा होता है तो आप मिनोक्सिडिल का यूज करते हो, ठीक है। मिनोक्सिडिल यूज करने के बाद क्या करता है कि कुछ दिन तक तो मिनोक्सिडिल से हेयर फॉल होता है, देन कुछ धीरे धीरे वो कम हो जाता है, और गाइस एक समय ऐसा आता है कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो गाइस जब आपका हेयर फॉल ना के बराबर हो जाता है तो आप जब मिनोक्सिडिल को लगाना छोड़ते हो, तो देखिए दोस्तों, मिनोक्सिडिल लगाने के छोड़ने पर जो मिनोक्सिडिल से बाल आए हैं वो तो उड़ जाते हैं, मतलब कि झड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद फिर आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बताओ क्यों? गाइस आप ये मत सोचना कि ये हमारा मिनोक्सिडिल की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो आपकी स्टार्टिंग में कंडीशन थी मिनोक्सिडिल को लगाने से पहले, सेम वही कंडीशन मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद हो जाती है। जैसे मिनोक्सिडिल लगाने से पहले आपको हेयर फॉल हो रहा होता है, गाइस मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद भी ऐसे ही हेयर फॉल कंटिन्यू चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप इसके बहमे मत लीजिए कि हमने मिनोक्सिडिल छोड़ दिया और मिनोक्सिडिल से जो हमारे बाल आए वो तो झड़ी गई, लेकिन और भी बाल झड़ रहे हैं। गाइस ऐसा नहीं है, वो आपकी शुरू से ही जो प्रॉब्लम होती है उसी के रीजन से बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आप मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा नंबर लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।